हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेंसुरेशन पार्ट 7 में हमारा अगला वीडियो देखिए स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। स्टेटमेंट फिर सुन लीजिए, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए गोला है और इसकी त्रिज्या, यानी ये देखिए गोले का व्यास है और ये त्रिज्या है। त्रिज्या जो है इसमें है त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। देखिए कहता है 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो गोले का आयतन अभी बताया था आपको 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए और इसमें पुट करते हैं 4/3, तो देखिए 4/3 गुना पाई और आर क्यूब, यानी 2.1 × 2.1 × 2.1। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 38.80 घन सेंटीमीटर, 38.80 घन सेंटीमीटर। देखिए गोले का आयतन, अब कहता है गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ होता है 4πr². वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखिए स्क्वायर में ही होगा, तो हम इसमें पुट करते हैं 4π 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर आर क्या है, आर देखिए 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 × 2.1, और इसको गुना करते हैं तो गुना करने पर हमें मिलता है 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए गोले का आयतन और गोले का वक्र पृष्ठ हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए। 15 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर लंबे धातु के बने ठोस बेलन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहता है सिलेंडर जो है उसका आयतन, यानी कहता है एक सिलेंडर है ठोस सिलेंडर, उससे उसके कितने गोले बनेंगे? तो जाहिर सी बात है आयतन से गोले बनाएंगे। पहले हम गोले का आयतन निकालेंगे। देखिए अगर पहले हम सिलेंडर का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, और बेलन के आयतन के नीचे अगर गोले का आयतन हम वहां पर रखते हैं, गोले का आयतन वहां पर रखते हैं, तो हमें गोलों छोटे गोलों की संख्या मिलेगी। तो छोटे गोलों की संख्या, देखिए छोटे गोलों की संख्या की संख्या स्पष्ट है बेलन का आयतन, ये देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन गोले का आयतन। देखिए गोले का आयतन यानी एक गोला जो है उसका आयतन, गोले का आयतन। अब देखिए इसमें हम बेलन का आयतन बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो बेलन, अब देखिए स्टेटमेंट को आप देख लीजिए 15 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर लंबे, अब देखिए यहां पर बनाते हैं, ये बेलन है 15 सेंटीमीटर व्यास, अगर 15 सेंटीमीटर व्यास है तो 15/2 हम कह सकते हैं, यानी 7.5 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। देखिए और ऊंचाई कहता है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन निकालते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए बेलन का आयतन होगा, देखिए बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर, किस पे होता है? सर्कल पे होता है, तो पाई आर स्क्वायर और एच, देखिए और अपॉन बेलन के आयतन के नीचे करेंगे गोले का आयतन, जो गोले बनाने हैं, और गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसमें हम इसको पुट करते हैं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके नीचे ये रखते हैं, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखिए अब बेलन की आर स्क्वायर क्या है? 7.5 गुना 7.5 और हाइट क्या है? 100 सेंटीमीटर, ये देखिए 100 सेंटीमीटर, और अपॉन करते हैं गोले का आयतन 4/3, ये देखिए 4/3 गुना पाई 22/7 गुना आर क्यूब, तो आर देखिए गोले की त्रिज्या इसमें कहता है कि गोले 15 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर लंबे धातु के बने ठोस बेलन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनेंगे? तो 5 सेंटीमीटर व्यास का मतलब है 5/2, यानी त्रिज्या हो गई, तो गुना में 5/2 यानी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, देखिए गोले की त्रिज्या बराबर है 5/2, तो गुना में देखिए यहां पर क्यूब है 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2, ये देखिए अगर इसको काटते देखिए पाई से पाई सीधा कट जाती है, यहां पर पाई से पाई सीधी कट जाती है, और
अगर ऐसे इसको हम काटते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, इसको काटते हैं तो 5625 पाई हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ सिलेंडर जो है वो 15/2 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 7.5 हम त्रिज्या लिख सकते हैं, या 15/2 भी इसको कर सकते हैं। ये 5625 पाई हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और जब हम गोले का आयतन इसके नीचे करते हैं तो गोले का आयतन जो है वो निकलता है, गोले का आयतन हमें प्राप्त होता है 125 पाई बटा 6। देखिए तो यहां देखिए पाई से पाई हम काट देते हैं और 6 ऊपर चला जाता है, और 125 से इसको काटते हैं तो 45 प्राप्त होता है। तो काटने पर मिलता है 270। ये गोलों की संख्या हुई। देखिए गोलों की संख्या, कितने गोले बनकर तैयार हुए, 270 गोले यहां पर हमें प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, 84 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला एक बेलन के आकार के बर्तन में रखे पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। बेलन आकार का बर्तन है, उसमें एक गोला डुबो दिया जाता है, और गोला डुबोने पर उस गोले के कारण पानी की तरह ऊपर उठेगा, ये याद करना है। देखिए सुनिए इस स्टेटमेंट को, 84 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला एक बेलन के आकार के बर्तन में रखे पानी में पूरा डुबो दिया जाता है, पूरा डूबने के बाद भी पानी बाहर नहीं निकलता। यदि इस बेलन का व्यास 1.68 मीटर हो तो गोला डूबने से पानी बर्तन में कितना ऊपर उठ जाएगा। देखिए 84 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का गोला है, 84 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ये धातु का गोला है, और इसमें इसका व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है, तो डी अपॉन टू यानी त्रिज्या, आर बराबर है डी अपॉन टू, तो त्रिज्या हम निकालेंगे क्या 84 सेंटीमीटर, तो 84/2 हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या है 42 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन हम निकालेंगे, गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन निकालेंगे, क्योंकि देखिए बेलन जो है उसके अंदर गोले को डुबो दिया जाता है तो उससे पानी ऊपर उठता है, तो हम गोले का आयतन निकालते हैं कि गोले का आयतन क्या है, गोले का वॉल्यूम क्या है जो पानी को ऊपर की तरफ उठाएगा। तो देखिए गोले का आयतन वही बात 4/3 पाई आर क्यूब, यानी हम कह सकते हैं 4/3 गुना पाई आर, कितनी आई 42 गुना 42 गुना 42, और इसको हम खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 सेंटीमीटर। देखिए या हम इसको ऊपर रख सकते हैं और नीचे जो है बेलन का आयतन जो है नीचे रखा जा सकता है। अब कहते हैं पानी की सतह, जब ये गोला जो है बेलन के अंदर डाला जाएगा तो उससे पानी की सतह ऊपर उठेगी, वही जो है ऊंचाई होगी, बेलन के अंदर पानी की ऊंचाई जो है वही होगी। अब कहते हैं बेलन का आयतन, अब देखिए बेलन ये होता है, और बेलन का आयतन हम निकालते हैं तो कहता है डुबो दिया जाता है, पूरा डूबने के बाद भी पानी बाहर नहीं निकलता। यदि बेलन का व्यास 1.68 मीटर हो तो देखिए इसका व्यास जो है ये पूरा व्यास होता है ये 1.68 मीटर हो गया, तो सेंटीमीटर कितना हुआ, देखिए इसका आधा आधा हम करते हैं तो क्या हुआ 84 सेंटीमीटर हो गए। देखिए 84 सेंटीमीटर, देखिए अब यहाँ पर 84 सेंटीमीटर हो गया, उधर देखिए हमने इसको हाफ किया तो त्रिज्या बनी थी, और यहाँ देखिए इसको हाफ करते हैं तो इसकी त्रिज्या बनती है 84 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन निकालते हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये देखिए सर्कल के ऊपर ही चलता है और हाइट से उसको इंटू करते हैं तो ये बेलन का आयतन तैयार होता है। और बेलन का आयतन अगर इसके नीचे कर देते हैं तो देखिए हमें ये मिल जाएगा जो पूछा गया, यानी कितना ऊपर उठेगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर। अब हम तो इसका निचोड़ कितना आया है, यानी गोले का आयतन कितना आया है, गोले का आयतन आया है 31,0464 घन सेंटीमीटर, और देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन है पाई यानी 22/7 गुना आर, आर क्यों आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 84 सेंटीमीटर, 84 गुना 84, और एच जो पता करनी है कि हाइट कितनी ऊपर उठ जाएगी। अगर देखिए इसको हम काटते हैं तो इसको हमें काटने पर हमें प्राप्त होता है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या आया, एच हाइट ही तो आई। देखिए अगर हम इसको गुना करके काटते हैं तो हमें यही प्राप्त होता है, देखिए इसका 7 ऊपर चला जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो हमें हाइट यानी 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट प्राप्त होगी। तो वो पानी इस बेलन के पानी में, इस बेलन के पानी में जब वो गोला डाला जाएगा तो उस गोले के आयतन के कारण वो पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और हमें यहाँ पर जो बेलन रूपी बर्तन है
देखिए उसका हमें हमने यहां निकाला क्या आयतन, और आयतन में हमें हाइट मिली नहीं, और पाई आर स्क्वायर हमारे पास था, पाई आर स्क्वायर लिखकर हाइट को खाली छोड़ दिया। अगर हम एच को निकालते हैं यानी एच बराबर है ये करते हैं तो एच जो है हमें 14 सेंटीमीटर यहां पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उस गोली का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोली का व्यास 14 सेंटीमीटर है, देखिए उस गोली का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर गोली का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 14 बटा 2 क्या हुआ 7, हमें आर प्राप्त होती है त्रिज्या। देखिए और कहता है गोली का आयतन ज्ञात करें, तो गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पुट कर दीजिए 4/3 पाई और आर कितना है 7 × 7 × 7, इसको हम काटते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है हमारा आंसर यानी 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर घन सेंटीमीटर हमें आयतन प्राप्त होता है। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम प्राप्त करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है गोले का 4πr² और 4πr² में 4π कितना है 22/7 और r² यानी r कितना है देखिए r यहाँ पर 7 है तो 7 × 7, इसको हम काटते हैं तो हमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड डू कमेंट्स फॉर दिस वीडियो।